नमस्कार दोस्तों, मैं प्रीति श्रीवास्तव। आपने अक्सर कई बार देखा होगा कि जब भी कोई घर बनवाता है तो वास्तुशास्त्र के अनुसार ही घर बनवाता है। ऐसा क्यों बनवाया जाता है? अगर आप वास्तुशास्त्र के अनुसार अपना घर डिजाइन करते हैं तो इससे आपके घर में कोई भी परेशानी नहीं आती, या कलह या फिर कोई भी समस्याएं, वो सब चीज़ें आपके घर से दूर रहती हैं। यदि आपके बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है तो उसके लिए भी आप कमरा डिज़ाइन कर रहे हैं, तो वास्तु के शास्त्री आप अपने बच्चे के कमरे का डिज़ाइन करें तो उसका पढ़ाई में मन लगेगा। आज मैं आपके लिए वही वीडियो लेकर आई हूँ कि यदि आपके बच्चे का मन पढ़ाई में नहीं लगता है तो आप वास्तुशास्त्र की मदद ले सकते हैं और अपने बच्चे का कमरा डिज़ाइन कर सकते हैं। नंबर एक, यदि आप अपने बच्चे का कमरा डिजाइन कर रहे हैं तो आप उस कमरे को उत्तर पूर्व दिशा में ही रखें और उसका गेट भी ध्यान रखें कि उत्तर पूर्व दिशा में ही खुले। अगर उत्तर पूर्व दिशा में आप अपने बच्चे का कमरा रखते हैं तो इससे आप उस बच्चे का पढ़ाई में मन भी लगेगा और उसका ध्यान भी इधर उधर नहीं भटकेगा। नंबर दो, यदि आप बच्चे का कमरा बनवा रहे हैं तो ध्यान रखें कि वह शौचालय के नीचे ना हो, यानी कि जब आप कमरा बनवा रहे हैं तो शौचालय उसके ऊपर और कमरा उसके नीचे ऐसा कभी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। नंबर तीन, बच्चे का कमरा बनवा रहे हैं तो उसमें रोशनदान जरूर लगवाएं। बच्चे का कमरा ऐसा होना चाहिए बिल्कुल खुला हुआ, जहाँ पर सब जगह से रोशनी आए, बाहर की रोशनी, धूप भी मिलनी चाहिए और उजाला इतना अच्छा होना चाहिए कि बच्चे का पढ़ाई में मन लगे। यदि अगर रोशनी अच्छी नहीं है कमरे में तो बच्चे का पढ़ाई में मन तो बिल्कुल नहीं लग सकता, और ऊपर से दिखाई कहाँ देता है ऐसी छोटी सी रोशनी में। तो कोशिश करें बच्चे का जो कमरा हो वहाँ पर रोशनदार ज़्यादा हो और रोशनी भी अधिक आती हो। नंबर चार, एकरता बढ़ाने के लिए अगर आपका बच्चे का मन इधर उधर भटकता है तो आप कोशिश करें कि बच्चे की जो पढ़ने की स्टडी रूम है उसमें जो मेज या फर्नीचर जो भी लगवाया है वो पूर्व दिशा में होना चाहिए। बच्चा उस ओर ही मुंह कर पढ़े तो उसका मन पढ़ाई में भी लगेगा और उसकी एकता भंग भी नहीं होगी। ध्यान रखें कि वह किसी भी चीज़ का सहारा न ले, या तो अलमारी या दीवार, किसी भी चीज़ का सहारा ना लेकर बैठे, वो हमेशा पूर्व की दिशा में खुलेआम बैठे और आराम से बैठकर पढ़े भी। नंबर पाँच, साफ सफाई का खास ख्याल रखें। बच्चे की स्टडी रूम में ज़्यादातर देखते हैं कि बच्चे किताबें पढ़ने के बाद जहाँ मर्जी छोड़ देते हैं, कहीं टेबल पर पड़ी है तो कहीं बिस्तर पर, मतलब कि बुकों का कोई स्टोर नहीं होता। तो कोशिश करें कि बच्चे के लिए स्टडी रूम में एक अलमारी भी बनवाएं ताकि बुक जहाँ रखी होती है वहीं रखें, और बच्चों को सिखाएं भी कि पढ़ने के बाद बुकें वहीं रखें ताकि इधर उधर बिखरी ना मिले, और कोशिश करें कि स्टडी रूम में माँ सरस्वती की तस्वीर रखें। इससे सकारात्मक ऊर्जा रहती है और बच्चे का पढ़ाई में मन भी लगेगा। नंबर छः, यदि आप बच्चे का कमरा तैयार कर रहे हैं या पेंट करवा रहे हैं तो उसमें हरा कलर ही यूज़ करें, क्योंकि हरा कलर शांति का प्रतीक होता है, इसलिए बच्चे का मन और दिमाग दोनों ही शांत रहेंगे। और यदि कोई बच्चा क्रोधी है, ज़्यादा ही हाइपर है, तो उसके लिए ब्लू कलर का ही यूज़ करें और ज़्यादा डार्क कलर यूज़ ना करें, क्योंकि बच्चे का मन उसमें पढ़ाई में नहीं लगेगा बल्कि उसे जो कलर है वो इफेक्ट करेंगे। तो ये थे वे कारण जिस कारण से बच्चों का स्टडी रूम किस तरह से तैयार करना चाहिए। यदि आप वास्तुशास्त्र के अनुसार बच्चे का स्टडी रूम तैयार करते हैं, बच्चे का पढ़ाई में मन भी लगेगा और वास्तु का आप बच्चे पर बहुत अच्छा असर भी पड़ेगा। मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। जब तक के लिए मैं प्रीति श्रीवास्तव आपसे इजाज़त लेती हूँ।